11 अप्रैल की शाम राजौरी गार्डन इलाके में हुई 48 लाख की लूट के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। एक महिला समेत चार लुटेरों ने फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर एक ट्यूटर के घर में इस वारदात को अंजाम दिया था। सीसीटीवी में कैद इन चारों लुटेरों को देखिए। ये लुटेरे आयकर विभाग के अधिकारी बनकर आए और पैसों के बारे में गहराई से पूछताछ करने लगे, साथ ही घर पर रेड करने की धमकी देने लगे, जिससे ट्यूशन टीचर इंद्रवीर घबरा गए और उन्होंने पूरे 48 लाख रुपए अपनी तिजोरी से निकाल कर दे दिए। उन्हें तीन चार बंदे आए इनकम टैक्स ऑफिसर बनके, जिसमें एक लेडीज भी थी, तो वो यहाँ पे उनसे चीटिंग करके 40-50 लाख रुपए लेके 75 हो रहे नकली अफसर थे सारे। लेकिन शक होने पर ट्यूटर इंद्रवीर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी नितिन सूद और प्रवीण को गिरफ्तार किया है। नितिन पर पहले भी लूट के कई मामले दर्ज हैं, जिसमें पश्चिम बिहार में ज्वेलर्स से 90 लाख की लूट भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक नितिन को महिला मित्र के ट्यूटर के घर में लाखों रुपए होने की जानकारी मिली थी। गिरफ्तार लुटेरों से 22.5 लाख कैश और एक सेंट्रो कार पुलिस ने जब्त किया है। अब महिला समेत एक और आरोपी की तलाश की जा रही है।